नमस्कार, आप देख रहे हैं मी न्यूज 27, खबरें सबसे पहले आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मी न्यूज 27। सिंघम के बाद मास्क मैन बने कटिहार के डीएम कंवल तनुज। औचक निरीक्षण के दौरान शहर के दुकानदारों में मचा हड़कंप। मास्क नहीं पहनने वालों को किया दंडित एवं दुकान बंद करने का दिया आदेश। डीएम कंवल तनुज ने लोगों से मास्क पहनने की अपील। कटिहार में कोरोना के कहर के बीच अब मास्क मैन बनकर सामने आए कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज। बताते चलें कि लगातार कटिहार में कोरोना के संक्रमण फैलने की चिंता के बीच शहर की आम जनता चिंता और काफी खौफ में है। इस बीच बाजार को बंद रखने के प्रस्ताव विभिन्न राजनीतिक दलों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से लगातार रखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग कोरोना के संक्रमण को हल्के में लेकर बिना मास्क लगाए शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बिना मास्क लगाए मार्केट में घूमने वालों की खैर नहीं, क्योंकि जिला पदाधिकारी ने जिले में मास्क पहनने के आदेश जारी कर दिए हैं, ताकि लोग कोरोना जैसे महामारी से सुरक्षित रह सके। कल पूरे जिले के साथ साथ कटिहार शहर में जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक ने खुद मास्क चेकिंग का कमान संभाला। इस दौरान शहर के मंगल बाजार इलाके में लगभग दर्जनों दुकानों में दुकानदार द्वारा मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर एक दर्जन दुकानों को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया। जिला अधिकारी के साथ जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी इस अभियान के दौरान मौजूद रहे। वहीं इस अभियान की चर्चा पूरे जिले में जोरों पर है। जिला प्रशासन के इस पहल का कटिहार बुद्धिजीवियों ने स्वागत किया है। कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट। अभियान चलाया गया, क्या मिला, कितने दुकान पाए गए? देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज टीम्स भेजी गई थी। टीम्स का गठन किया गया है, ऑफिसर्स को प्राधिकृत किया गया है जो कि पेनल्टी लगा सकते हैं, और पूरे ज़िले में सघन ये जांच कराई गई है दुकानों की और वाहनों की। अभी हम और एसपी साहब भी इसी उद्देश्य से मेन मार्केट में यहाँ कटिहार के हम लोग निकले थे। अभी तत्काल यहाँ 5 दुकानों में उल्लंघन पाया गया है जहाँ मास्क का व्यवहार नहीं किया जा रहा था, तो उनको 3 दिन तक बंद करने का आदेश दिया गया है। सर, ये कोरोना की जांच को लेकर सर लोगों में ये बनी हुई कि जांच अभी नहीं हो पा रही 2-3 दिनों से, लोग परेशान हैं, अगर वो संभावित लक्षण भी पाए जा रहे हैं तो वो जांच। देखिए, लगभग 6,000 जाँच तो RMRI से हो चुकी है और लगभग 3,500 की जांच ट्रूनेट से हो चुकी है, तो ये कहना ठीक नहीं है कि नहीं हो पा रही है। हाँ, हम लोगों को लक्ष्य है, जितना उससे ज़्यादा ही हम लोग जांच करा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा संख्या में अगर किसी दिन सैंपल लिया जाए गया है तो वो किसी विशेष परिस्थिति में लिया गया है, ऐसा नहीं है कि जांच नहीं हो रही है। जाँच जो